हाँ कुणाल, अरे जाने दे, अभी इस घर की बहू बोल रही है, मेरी बीवी बोल रही है, तो छोड़ देना। तेरी ड्रेस खराब होगी ना, नए ले देते हैं। आजा। पर यदि हाथ जोड़ता हूं मैं, मेरे बेटे की मंगनी हो रही है, इसलिए प्लीज अपने कमरे में चले जाओ, नहीं तो ये सब वैसे ही चलता रहेगा। प्लीज जाओ। आप लोग प्लीज एंजॉय करिए, ये सब कुछ तो चलता रहता है। एंजॉय सर, एंजॉय सर, कम ऑन कम ऑन। कोई बात नहीं यार, रिलैक्स कर, हो जाता है ऐसे कभी कभी। नहीं होता यार, लोगों को दिखा नहीं देता क्या? पूरा ड्रेस खराब कर दिया। कोई बात नहीं, ड्रेस ही तो है, नहीं आ जाएगी, टेंशन मत ले जाता। हाँ एक सेकेंड, थैंक यू मुझे यहां तक लाने के लिए, आगे मैं खुद मैनेज कर लूंगा। अब तो सूट तेरा पूरा गंदा हो गया, अब क्या करेगा? ये क्या किया, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। यू याद आया? हाँ हाँ, तू मुझे कैसे भूल सकता? इतनी नफरत जो करता है मुझसे, क्या कहने चाहता तू कि मैं यहां कैसे जिंदा कैसे? हाँ ऐसे, जब तक मैं तुम सबको मान नहीं लूंगा ना, मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा, समझा? मैंने किया, तुम सबके लिए इतना किया, और बदले में मुझे क्या मिला? ये सिला, मसाया, मुझे तो बहुत मसाया, ऐसा लग रहा है मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, समझा? घर में जगह कम थी जो बाहर आगे नाचता है, इतना मजा आ रहा था इसे तड़पाने का, अगर किसी ने देख लिया तो मेरा राज खुल जाएगा। हे भगवान, कुणाल, कुणाल उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उठो कुणाल, कुणाल तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जॉली को कैसे जानते हो? जॉली? हाँ देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, उठो। ये सब कैसे हुआ? ये डॉक्टर, ये सब मैं बाद में बताऊंगी, प्लीज इनका इलाज शुरू कीजिए, इनका बचना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, अब कैसे हैं वो? अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन जख्म बहुत गहरे हैं। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं, वो कोमा में चले गए। क्या, कोमा में? वैसे उनकी ये हालत हुई कैसे? एक्सीडेंट हुआ था। तो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया आपने? नहीं, वो आ, आ, वो वैसे वाला एक्सीडेंट नहीं था, वो एक्चुअली घर के बाहर गए और गिर गए, तो इसलिए इतनी गहरी चोटें आई हैं। ओह आई सी। तो वो कोमा से बाहर कब तक आएंगे?
कुछ बोल नहीं सकते, जख्म इतने गहरे हैं कि भरने में वक्त लगेगा। अच्छा आप उन्हें वक्त पे हॉस्पिटल ले आई, वरना उनका बचना मुश्किल था। जोली ये सब क्यों कर रहा है, क्यों सबको मारना चाहता है? अगर शादी बर्बाद करनी होती तो मेरे साथ कुछ करता, इन सबके पीछे क्यों पड़ा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चाहता है ये। कमाल है, सगाई की रस्म तो बहुत अच्छे से हो गई आपकी वजह से, इतने कम समय में आपने सारी अरेंजमेंट्स कर ली। वाह, वैसे जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से हुआ, आप लोग इस घर में आए तो रौनक आई। नहीं राजवीर, ये तो आपका बड़प्पन है। चलो भाई सगाई तो हो गई, अब बस शादी हो जाए, आपकी बहन हमारे घर की बहू बन जाए, और क्या चाहिए बस। हो जाए मतलब, ये तो अभी से रस्मों रिवाजों से आपकी हो गई है। बस दो दिन तो बाकी है शादी के लिए, है ना? एग्जैक्टली, दो ही दिन तो बाकी है, अब जो होना है अगले दो ही दिनों में होना है। मानना पड़ेगा आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। हाँ पकड़ मेरी अच्छी है, एक बार किसी चीज को पकड़ लेता हूं ना तो आसानी से छोड़ता नहीं मैं। क्या हुआ विकास, तुमने क्यों मुंह लटकाया हुआ है? विकास क्या हुआ? अरे ये पूछ क्या नहीं हुआ, हम चार से दो रह गए, ऑल ऑफ अ सडन हमारे दो पार्टनर्स पता नहीं कहीं गायब हो गए, पता नहीं शादी की मेहनत से बचने के लिए भाग गए। अब बहुत अजीब लग रहा है ये सब। मैं समझा नहीं, क्या हुआ था? पहले संतोष कहीं गायब हो जाता है, फोन पे बोलता है कि ऑफिस में जरूरी काम आ गया तो वो करने गया, फिर कुणाल ऑल ऑफ अ सडन गायब हो जाता है, उसका फोन आता है कि संतोष से अकेले संभाला नहीं जाएगा तो उसकी मदद करने जा रहा हूं, करके पूछ रहा हूं तो भाग तो सब कुछ नॉर्मल है, तो ये दोनों आखिर गए किधर? विकास छोड़ना यार, तू तो जानता है उन दोनों को, बाद में बात करते इसके बारे में। ओके एक बार आने दे दोनों को। सॉरी, वो मैं ये सोच रहा था कि पिछले दो दिनों में दो पार्टनर्स गायब हो गए, अब दो दिन बचे हैं, कहीं दो दिन में तुम दोनों भी तो आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब हम दोनों अपनी बहन को छोड़ के? विकास जी आप गलत समझ रहे हैं, वो राजवीर का ये कहने का मतलब नहीं था। क्या गलत समझ रहे हैं, ये क्या तरीका है बात करने का? विकास जी शांत हो जाइए, ये शादी का घर है प्लीज। अरे विकास चिल मारना यार, टेंशन क्यों ले रहा है तू? तो टेंशन बहुत लेता है यार, रिलैक्स चिल। अरे सगाई हो गई है, मुंह तो मीठा कीजिए सब। कंग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूं। अगर इतनी ही खुशी थी तुम्हें तो आई क्यों नहीं सगाई में? अब ये मत कहना कि तुम्हें इनवाइट नहीं किया, क्योंकि जहां तक मुझे पता है तुम्हें तो इनविटेशन की जरूरत ही नहीं है किसी के घर में घुसने की, फिर तो ये घर वालों की बात थी। हाँ सही कहा, तुम वाकई बहुत इंटेलिजेंट हो गए ऋतु, मेरी तो घर की बात है ना इसलिए मैं यहाँ हूं, मेहमानों को इनविटेशन दिया जाता है। लो मुंह मीठा करो। ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए। ये हमने क्या पाप किए परिधि, हमें भी खिला दो लड्डू। ये शुभ रसम की शुभ मिठाई है, अशुभ लोगों को नहीं खिलाई जाती। हाँ
तो हमारे लिए भी तो शुभ ही है ये मिठाई, शुभ दिन पर शुभ मिठाई।